33 कोटि देवता तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो देंगे। 33 कोटि देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, पर केवल एक महादेव का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना। तुम्हारी जिंदगी में दुख लिखा है, कब वो सुख लिख दे उसका कोई भरोसा नहीं। ये सिर महादेव की पिंडी को लोग लगाते, कई लोगों को देखा होगा तुमने, बोलो कभी देखा कि नहीं देखा? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, देखा? ये सिर लोग महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्यों? ये ललाट पर जो दुख लिखा है, ललाट पर जो भाग्य में तकलीफें लिखी हैं, किस्मत में जो लिखा है, बेकार कुछ लिख दिया। शिव के शिवलिंग को ये शीश लग जाए, महादेव का स्पर्श मात्र हो जाए, ललाट पर लिखा उल्टा भी सुलटा हो जाता है, सीधा हो जाता है। मंदिर से मिले हुए फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? मंदिर से कोई पंडित जी आपको फूल दे देता है, उस फूल को सबसे पहले कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? मंदिर गए, पंडित जी खुश हो गए, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, उन्होंने मंदिर में से तुम्हें फूल उठाकर दे दिया, इस फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में पुष्प का भी वर्णन है कि मंदिर से मिला हुआ पुष्प नयनों से लगाकर, हृदय से लगाकर अपने कर्ण में लगाया जाता है, कानों में लगाया जाता है। कानों में क्यों? क्योंकि भगवान के प्रवेश का सबसे बड़ा दरवाजा यह कर्ण है, जो भगवान के प्रवेश को कराता है। आपने कथा सुनी, उसमें आपको मिला कि एक लोटा जल चढ़ाने से यह प्राप्ति होती है। शिव अंदर गया तब तो आपने मंदिर जाना प्रारंभ किया। अगर शिव अंदर नहीं जाता तो कोई मंदिर जाना प्रारंभ नहीं करता। लगाया हृदय से, कर्ण पर रखा, कर्ण पर रखने के बाद उसको फिर पुष्प को विसर्जन करने से पहले अगर कोई पंडित, कोई विद्वत जन, कोई ब्राह्मण जन आपको फूल दे देते हैं हृदय से, नेत्रों से लगाने के बाद, मस्तक से लगाने के बाद, उसे थोड़ी देर कर्ण पर जरूर रखना चाहिए। कर्ण पर रखने के बाद फिर भले उसको उतार कर तुम विसर्जन कर दो, पर कान के छुए बिना उसका विसर्जन भी नहीं होता है। कर्ण का स्पर्श, तू प्रवेश का द्वार ये कर्ण है जिसमें से मेरा महादेव अंदर प्रवेश करा। शिव महापुराण में भगवान शंकर के बहुला गाय के पेट में प्रवेश करने की कथा आती है कान के द्वारा। स्त्रियों को सबसे ज्यादा सुंदर आभूषण पहनने की अगर सुंदरता लगती है तो वो कान में ही लगती है। कभी तुमने सुना 16 संस्कार में एक संस्कार है कर्ण छेदन संस्कार। कौन सा? कर्ण छेदन। कान को छेदा जाता है। क्यों छेदा जाता है, किस लिए, क्या जरूरत पड़ गई इस कानों को छेदने की, क्या जरूरत पड़ गई इन कानों में पिन लगाने की, क्या जरूरत पड़ गई इन कानों को छेद करने की? एक लड़की की शादी करने से पहले उसके कानों को छेद दिया जाता है। बाल्यावस्था में कन्या को, बेटी को कानों में छेद दिया जाता है। एक कानों में छिद्र, दूसरा जम के बोलो जरा, नाक पर छिद्र, दोनों बड़ी मर्यादा के हैं। कर्ण छिद्र, बेटी को विवाह करने से पहले जब बेटी कुंवारी रहती है, कन्या रहती है, छोटी रहती है, उसके कानों को छेद दिया जाता है। पुरुष, उसके भी कानों को छेदा जाता है। कर्ण छेदन का महत्व क्या कहता है? अच्छा मिले उसको अंदर उतार लो। कोई अगर तुम्हारी बुराई कर दे, अपशब्द कह दे, तो कानों में जो छेद है, ये दो छेदों का महत्व बड़ा प्रबल है। एक छेद
अच्छाई को लेने के लिए है, दूसरा छेद जिसमें कुंडल डाले हैं, ये छेद जब कोई बुरा बोले तो उस छेद में से बाहर निकालने के लिए है, ये अंदर प्रवेश के लिए नहीं। कानों के दो छेद, एक जो तुमने कान छेदन करा है कुंडल पहने हो, उससे अपनी बुराई को, अपने को कोई अपशब्द कह दे, ताना दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, अपशब्द कह दे, तुम्हारी निंदा कर दे, बुराई कर दे, अपशब्द कहे। हमने पहले भी कथा में वीरगंज की कथा नेपाल से कहा था, भगवान से प्रार्थना करते समय एक प्रार्थना ये भी करना कि मुझे अपनी बुराई सुनने की सहनशीलता देना, इतना जरूर करना भोलेनाथ कि लोग मेरी बुराई करें तो मैं सुन सकूं, किसी को अपशब्द ना बोलूं, वो आड़ा टेढ़ा बोले मैं सुन लूं, वो मुझे गाली दें मैं सुन लूं, क्योंकि दुनिया के लोगों को सुनने की आदत खत्म हो गई। बेलपत्री की माला बना रही हैं, मंदार के फूल उसमें लगा रही हैं, बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, जरा ध्यान देना, शमी के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बहुत ध्यान दीजिएगा, तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, शमी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, आंवले के वृक्ष की पत्ती की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, पीपल के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बड़ के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता। थोड़ा ध्यान रखना इस बात के लिए, इसमें सुई नहीं लगना चाहिए, इसमें सुई का प्रयोग नहीं होता। अब तीन चीजें हमारे यहां सनातन धर्म में बड़ी विचित्र बताई है, उसका स्मरण होना चाहिए। नारी जब मांग में सिंदूर भरे उस समय दर्पण के सामने केवल नारी हो, कोई दूसरा नारी को मांग में सिंदूर भरता हुआ ना देखे। जब नारी गले में मंगलसूत्र धारण कर रही हो या 16 श्रृंगार जब नारी धारण कर रही हो उस समय पर कोई ना देखे। नारी का जो श्रृंगार है एक विवाह के समय पर और एक मृत्यु के समय पर, सौभाग्यवती नारी का श्रृंगार दो जगह पर भले सर्व रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मांग भरता है, बराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मंगल सूत्र पहनाता है, सब लोग बैठे रहते हैं और पांव में बिछुड़ी दबाई जाती है, सब बैठे हुए हैं मांग का सिंदूर भरा रहा है, और एक अखंड सौभाग्यवती नारी जब जाती है तब सबके सामने सब खड़े हैं और पति अपनी पत्नी को मांग में सिंदूर भरकर आखिरी में भेज देता है, भेजता। ये दो, पर इसके बीच में जो स्त्री का जीवन है, इसके बीच में जो नारी का जीवन है, एक बहू मैं निवेदन करना चाहूंगा आज की बेटियों को, भले तुम पढ़ लो लिख लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम मिनिस्टर बन जाओ, मना नहीं, पर हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से दूर मत हटना। मुख में हिंदी, माथे पर बिंदी, ये मेरे भारत के सनातन धर्म की निशानी आपके भीतर होना चाहिए। एक विवाह, एक मृत्यु, और उसके बीच का जो समय होता है उसमें नारी जब भी अपने मांग में सिंदूर भरती है, अपना 16 श्रृंगार करती है, तब नारी को अकेले में अपने कमरे में अपने भवन में श्रृंगार करना चाहिए। यहां तक शास्त्र कहता है कि छत पर खड़े होकर भी बाल नहीं बांधना चाहिए। एक बीठिका ने बाल बाए थे खड़े होकर छत पर, और
तोते का बच्चा उड़ते हुए आया था और बकासी आने पर मुख में प्रवेश कर कर गर्भ में बैठ गया था, वो कथा भी हमारे यहां है। कंस का जन्म कैसे हुआ ये आप सब श्रीमद् भागवत की कथाओं में सुन चुके हो कि नारी रजो धर्म में थी और रजो धर्म की वो नारी 3 दिन बाद केश धोकर बाहर गई और द्रुमलिक नाम का एक असुर ने देख लिया और वो उसके साथ में रहने लगा और उसके माध्यम से उसका गर्भ ठहर गया। यहां तक हमारे संवाद करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्त्री को समझना है, थोड़ा सा नारी को समझना। आप करो श्रृंगार, आपका श्रृंगार करने को मना नहीं है। सास ससुर देवर जेठ परिवार घर के बड़े घर के बुजुर्ग खड़े हैं, उस समय पर श्रृंगार नहीं, आप जाओ अपने कक्ष में श्रृंगार करके आइए, मना नहीं, पर किसी की सम्मुखता में नहीं। एक बहुत सुंदर बात कहना चाहेंगे, जिंदगी में कभी मौका लगे तो स्मरण करिएगा, जिसको ब्रेन का ट्यूमर हो जाता है, माथे में कहीं खून के चकते जम जाते हैं, उस व्यक्ति को कपालेश्वर महादेव का दर्शन नासिक जाकर गोदावरी के घाट पर एक बार अवश्य करना चाहिए, उसकी राह मंजिल सरल हो जाती है, रोग का निवारण होता है, कपालेश्वर महादेव। पर शिवलिंग की प्रधानता है कि पोला नहीं होना चाहिए। कई कई घरों में शंकर जी का शिवलिंग होता है तो वो ऐसा पीतल का बना होता है तो नीचे से अंदर से पोला होता है, जो शिवलिंग घर में पोला होता है घर में लक्ष्मी को टिकने नहीं देता, पैसा रुकता नहीं घर में, आया और गया पैसा खर्च होता रहता है, पोला शिवलिंग नहीं चाहिए, शिवलिंग भरा हुआ होना चाहिए, ठोस होना चाहिए।